नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्य के बारे में। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल कुल्लू जिले के निकट एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। श्रीखंड महादेव हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है और भक्तों के बीच इसका विशेष महत्व है। यह स्थल दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इसे अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के रास्ते में कई श्रद्धालुओं की मौत तक हो जाती है और जो सही सलामत दर्शन कर पाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के रास्ते में भक्तों को करीब एक दर्जन धार्मिक स्थल और देव शिलाएं मिलेंगी। श्रीखंड महादेव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यहाँ पर आने से करीब 50 मीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। वहीं रास्ते में प्राकृतिक शिव गुफा, निर्मण में सात मंदिर, जाबो में माता पार्वती सहित 9 देवियां, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसू, सिंगार, ज्योतकाली, ढंक द्वार, बकासुर बध, ढंक द्वार व कुंसा आदि धार्मिक स्थल हैं। श्रीखंड की कहानी बड़ी ही रोचक है, तभी तो हर कोई यहाँ जाना चाहता है। कहते हैं भस्मासुर राक्षस ने यहाँ तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा। वरदान यह था कि जिसके सिर पर भी वह अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। मगर अहंकार में भस्मासुर भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। मजबूरन भोलेनाथ को इन पहाड़ की गुफाओं में छिपना पड़ा। राक्षस के डर से माता पार्वती यहाँ रो पड़ी। कहते हैं कि उनके अश्रुओं से यहाँ नयन सरोवर का निर्माण हुआ। इसकी एक एक धार यहाँ से 25 किलोमीटर नीचे भगवान शिव की गुफा निर्मंड के देव ढाक तक गिरती है। बाद में भस्मासुर का अंत किया गया। श्रीखंड यात्रा के दौरान लोग इस सरोवर पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। एक और कथा के अनुसार जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया। इसके साक्ष्य वहाँ भीम द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को काट कर रखना बताया जाता है। उन्होंने यहाँ एक राक्षस को मारा था जो यहाँ आने वाले भक्तों को मार खाता था। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि पांडव भीम ने श्रीखंड कैलाश में एक स्थान पर, जिसे अब भीमडवार भी कहते हैं, वहाँ पर बकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। राक्षस का लाल रक्त जब जमीन पर पड़ा तो उस जगह की जमीन लाल हो गई। आज भी वहाँ की जमीन लाल रंग में मौजूद है। भीमडवार पहुँचने के बाद रात के समय यहाँ कई जड़ी बूटियाँ चमक उठती हैं। भक्तों का दावा है कि इनमें से कई संजीवनी बूटी भी मौजूद हैं। यात्रा के दौरान पार्वती बाग भी रास्ते में पड़ता है। कहते हैं कि यह बाग माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है। यहाँ रंग बिरंगे फूल आज भी खिलते हैं। ये फूल इस स्थान के अलावा और कहीं नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि यह माता पार्वती द्वारा लगाया गया बगीचा है। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगला स्थान नैन सरोवर है और इसे एक पवित्र झील माना जाता है। और कई लोग झील में डुबकी लगाने के बाद पुरानी बीमारियों और दुर्बलताओं के शारीरिक उपचार की रिपोर्ट भी करते हैं। चट्टानी इलाकों से होते हुए शिखर तक लगभग 3 किलोमीटर का अंतिम खंड है। शिव के लिंगम के साथ साथ शिखर पर भगवान कार्तिकेय का एक पर्वत भी है जो मुख्य पर्वत के पीछे है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।